हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा ये लेक्चर है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, इसमें हम देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपका बीम के एनालिसिस पर बेस्ड होगी। ठीक है, और बीम का एनालिसिस हमने लास्ट लेक्चर में जो है कि कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, क्या है कि एक ISWB 500 @0.952 किलोन्यूटन आई खंड का प्रयोग 7.5 मीटर प्रभावी विस्तृति के पार्श्विक आबद्ध धरण के लिए किया गया। यदि इस धरण पर 45 किलोन्यूटन पर मीटर एक समान वितरित भार आ रहा हो तो इस धरण में उत्पन्न अधिकतम बंकन प्रतिबल यानी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, औसत अपरोपण प्रतिबल एवरेज शियर स्ट्रेस तथा विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन ज्ञात कीजिए। धरण के लिए E=2×10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर लीजिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको सेक्शन भी दे दिया है। ठीक है, सेक्शन का नाम भी दे दिया, कौन सा है, ISWB 500 यानी IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड W वाइड बीम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम और जिसकी डेप्थ कितनी है 500 mm है। ठीक, तो देखिए हमारे पास सेक्शन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टील टेबल में जाएंगे और स्टील टेबल से क्या करेंगे, जितनी भी ISWB 500 जो आपका सेक्शन है इसकी प्रॉपर्टीज हम सारी लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ISWB कैसे देखेंगे आप अपने टेबल में। देखिए आपके पास अगर जो IS 800 2007 जो कोड है उसमें भी आपको ये टेबल मिल जाएगी और आप वहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। ठीक है, और आपका जो यानी जो एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम में आपका कोड या होगा तो आपको वहीं से जो है सारी रीडिंग्स लेनी होंगी। देखिए फिलहाल मैं आपको एक बुक में बता देता हूँ, देखिए बुक में ये दे रखा है आपका, ये आपका ये आपका एक बीम दे रखा ISWB। ठीक है, ये दे रखा है आपका ISWB। ठीक है, और इसकी जो जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है 500। ठीक है, इस तरह से आपका ये दे रखा होगा और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि डेप्थ कितनी है और आपका थिकनेस कितनी है इसकी। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं और हमने सारी प्रॉपर्टीज़ क्या अपनी जो है अपने क्वेश्चन में लिख ली हैं। ठीक है, चलिए देखिए वेट पर मीटर कितना है इसका, वो है 0.952 किलोन्यूटन। वेव थिकनेस थिकनेस ऑफ वेव वो है 9.9 mm और डेप्थ की तो दे रही है आपको, डेप्थ से ही डिनोट किया जाता है आपके बीम को। ठीक है, ISWB 500 मतलब क्या है, ऐसा बीम जिसकी डेप्थ कितनी है 5 mm में। क्लियर, और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है। ठीक है, IXX और सेक्शन मॉडुलस ZXX ये भी दे रखा है आपको। मॉडुलस इलास्टिसिटी तो आपके क्वेश्चन में भी गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तब भी आप क्या है 2×10⁻²⁰ ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज थी ये यहाँ तक ये सारी हमने कहाँ से ली हैं, स्टील टेबल से ले ली हैं। ठीक है, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो आपका सेक्शन मॉडुलस है ये भी आपको कैलकुलेट करने की खुद से ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको सारी स्टील टेबल से ही मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए आपका इफेक्टिव स्पैन कितना दे रखा है, वो 7.5 मीटर दे रखा है जो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखिए अगर यहाँ पे ये इफेक्टिव स्पैन नहीं दे रखा होता, यानी आपको दे रखा होता क्लियर स्पैन दे रखा होता, तो क्या करना पड़ता आपको, इफेक्टिव स्पैन जो निकालना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप अपने क्वेश्चन में जो है वो हमेशा इफेक्टिव स्पैन ही लेते हैं। ठीक है, लिए तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना दे रखा है, 45 kN/m, ये आपके क्वेश्चन में ही आपको गिवन था। ठीक, अच्छा अगर आप इससे मतलब ये पॉइंट आपका जो UDL दे रखा है ये 45 kN/m, इसे आप चाहें तो अपने पॉइंट लोड में भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, टोटल लोड कितना हो जाएगा आपका W 45×7.5। ठीक, जो भी मतलब लोड होगा UDL उसे आप अगर आप इफेक्टिव स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वही लोड पॉइंट लोड में मिल जाएगा। ठीक, तो वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 337.5 kN। ठीक, चलिए अब देखिए जो भी लोड दे रखा है आपको इस लोड की वजह से कितना मूवमेंट जनरेट होगा, कितना बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना रहता है आपका W²/8। देखिए जब भी किसी बीम पे कोई आपका बीम है सपोज ये, ठीक है, इस बीम पे अगर UDL लगा हुआ है यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है W/m, ठीक, तो इसमें जो मैक्सिमम मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, उसकी वैल्यू होती है आपकी W L²/8।
क्लियर। यह आप जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स है उसमें आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, और अगर आप लोगों को अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको जो है इसका एक वीडियो बनाकर पूरा सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, कैसे आती है ये वैल्यू। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कितना होता है, डब्ल्यू वाला स्क्वायर बाई 8 होता है, डब्ल्यू कितना दे रखा है आपका 45 और एल दे रखा है आपका 7.5, ठीक है, और ये 8 सारी वैल्यूज आपको दे रखी थी आपने इसमें लगाया, और आपके जो पास जो आ गया ये कितना है 316.4 किलोन्यूटन मीटर, यानी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 316.4 किलोन्यूटन मीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एवरेज शेयर फोर्स, सॉरी एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक, एवरेज शेयर स्ट्रेस, ठीक है, तो इस एवरेज शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, वो होता है आपका वी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका एवरेज शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने का। तो देखिए हमारे पास वी क्या होता है, ये भी होता है आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स, ठीक, यानी मैक्सिमम शेयर फोर्स नहीं होता है तो ये तो हमारे पास है नहीं अभी, मैक्सिमम शेयर फोर्स ये हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है आपका बी बराबर डब्ल्यू बाई टू, ठीक, और लेकिन अगर आप यूडीएल लगाएंगे तो डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा, और अगर आप पॉइंट लोड ले रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा, वैल्यू आपकी सेम ही आने वाली है। तो ये कितना आ गया आपका 168.75 किलो न्यूटन। तो यहाँ से एवरेज शेयर स्ट्रेस आप निकाल लेंगे वी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू, देखिए डी की वैल्यू आपके पास रखिए आपको स्टील टेबल से मिल गई है ये, और टी डब्ल्यू की वैल्यू आपको स्टील टेबल से मिल गई थी, आप इसमें वैल्यू भी लगा देंगे, ठीक है, और आपको जो आंसर मिल जाएगा वो आ जाएगा एवरेज शेयर स्ट्रेस, एवरेज शेयर स्ट्रेस कितना आ जाएगा आपका वो 34.09 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है आपको, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, सिग्मा बी बराबर एम अपॉन जेड, या पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी आपकी ये दे रखी है, और आपकी जेड की वैल्यू हमें स्टेट टेबल से मिल गई थी वो आपकी ये है, ठीक है, ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए जब आप यहाँ पे जेड की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, और ये जो थी वैल्यू ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी थी, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे एमएम क्यूब में, ठीक है, तो ये 10³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा बी 151.27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आपकी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ चुकी है, ठीक। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा इसमें, तो वो इसका फॉर्मूला कितना होता है आपका डेल्टा बराबर 5/384 डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई, ठीक है, क्यों देखिए ये क्यों लगाया फॉर्मूला हमने, क्यों इसलिए लगाया कि हमारे पास जो लोड है वो क्या है यूडीएल है, तो यूडीएल कंडीशन में मैक्सिमम जो आपका डिफ्लेक्शन होता है वो ये होता है, ठीक है, इसमें हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, और जब सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी वो 17.72 आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास एल की वैल्यू भी है, और ई की भी है, और आई की भी है, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, क्लियर। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपका, और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।